दोस्तों, खाना खाना किसे पसंद नहीं। कुछ लोग तो खाने के लिए इतने शौकीन होते हैं कि क्या कहना। कोई जीने के लिए खाता है तो कोई खाने के लिए जीता है। आजकल तो लोग खाने में भी एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं। दो अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर खाने का शौक भी कम नहीं है। पर क्या आपको पता है कि यही एक्सपेरिमेंट कई बार हमें बीमार बना देता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ भोजन ठंड तो कुछ गर्म तासीर के होते हैं। कोई जल्दी पच जाता है तो कोई देर से, और कुछ भोजन तो कभी भी साथ साथ खाना ही नहीं चाहिए। इन्हें साथ साथ या तुरंत बाद खाना हमें बीमार बना सकता है, और कई बार ये जानलेवा भी होता है। आयुर्वेद के अनुसार दो अलग अलग भोजन जो अलग अलग गुणधर्म के होते हैं, उन्हें साथ साथ या तुरंत बाद नहीं खाना चाहिए। ऐसे भोजन ना तो पचते हैं, उल्टा हमें बीमार बना देते हैं। ऐसे भोजनों को आयुर्वेद में विरुद्ध आहार कहा जाता है। वैसे तो इन आहारों की सूची काफ़ी लंबी है, पर हम इनमें से कुछ के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, विरुद्ध आहार कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों के। दूध वैसे तो हमारे शरीर को मजबूत बनाता है और दूध में प्रोटीन पाया जाता है, पर दूध को कभी भी प्याज, केला, खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू, मौसमी, अंगूर आदि के साथ नहीं खाना चाहिए। दूध को नमकीन चीज़ों के साथ भी नहीं खाना चाहिए। दूध को पाइनएप्पल, दही, मूली, कटहल, मांस मछली के साथ नहीं खाना चाहिए। दूध और केले को साथ साथ खाना वजन बनाने का अच्छा स्रोत माना जाता है, पर इनके पचने का समय अलग अलग होता है, जो कभी कभी शरीर में दोनों को पचने से रोकता है तथा अनेक बीमारियों को पैदा करता है। इसलिए कोशिश करें कि इन्हें साथ साथ ना खाएं। हालांकि दही मूली ठंडे तासीर होने के कारण दूध के साथ ना लें, क्योंकि दूध गर्म होता है। खट्टे फलों में दूध के साथ सिर्फ आंवले का ही प्रयोग किया जा सकता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दूध के साथ मछली का सेवन करने से त्वचा रोग होने के हो सकता है हमें, इसलिए दूध के साथ मछली या मांस नहीं खाना चाहिए। वैसे ही दोस्तों, दही के साथ भी मांस, मछली, केला, प्याज, उड़द की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, ना दही को तेज आंच में पकाना चाहिए। दही और उड़द की दाल का प्रचलन काफ़ी समय से है, जैसे दही बड़ा। कई लोग दही बड़ा खाने के शौकीन भी होते हैं, पर दोस्तों कोशिश करें अगर दही बड़ा खाए भी तो मूंग की दाल की हो, ना कि उड़द की दाल की, क्योंकि उड़द दाल और दही को साथ साथ खाने से यह ब्लड प्रेशर को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है, जो कई बीमारियों के कारण बनती है। दही वैसे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, पर इसे कभी भी रात को नहीं खाना चाहिए, इससे हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों घी के बारे में। घी को कभी भी तांबे के बर्तन में ना रखें और ना खाएं। तांबे के संपर्क में आने से घी खराब हो जाता है और हमें बीमार बना देता है, और ना ही घी को हमें सेहत के साथ खाना चाहिए। ये हमारे लिए जहर का काम करता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोपहर के सबसे स्वादिष्ट व्यंजन के बारे में, जिसे सलाद कहा जाता है। वैसे तो सलाद खाना हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद है दोस्तों, यह हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। पर सलाद में भी हमें टमाटर और खीरे को कभी भी साथ साथ नहीं खाना चाहिए। दोनों हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होने के बावजूद इनके पचने का समय अलग अलग है, इसलिए इन्हें साथ साथ नहीं खाना चाहिए। सलाद में अगर हम बात करें गाजर की, तो गाजर में कभी भी नींबू का रस डालकर नहीं खाना चाहिए। सलाद में नींबू मिलाकर खाना बहुत ही स्वादिष्ट है, बना देता है खाने को, और तथा ही फ़ायदेमंद भी है। पर गाजर के साथ नींबू का प्रयोग हार्ट अटैक को बढ़ावा देता है। यह हमारे हार्ट के लिए बहुत ही खतरनाक है, और साथ ही साथ इसमें यूरिन की शिकायत भी आती है, मतलब पेशाब की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सलाद में अगर मूली का प्रयोग किया जाए तो इसके साथ या तुरंत बाद दूध या केले का सेवन नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, अगर हम बात करें शहद की, तो शहद को कभी भी घी, मूली या अंगूर के साथ ना करें, ना तुरंत इसके खाने के बाद खाएं, और शहद को कभी भी पकाना नहीं चाहिए, इससे इसका गुण समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आजकल लोग रेस्टोरेंट में खाने के शौकीन होते हैं, वहाँ लोग चीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि चीज़ें खाती हैं। तो कई लोग बर्गर में मांस मछली खाने के भी शौकीन होते हैं, जो नहीं खाना चाहिए। मांस मछली के साथ दूध, दही, चीज़ें, अंकुरित आहार, आलू तथा स्टार्च वाली चीज़ें ना खाएं। जैसे बर्गर में मैदा होता है और मैदा में काफ़ी स्टार्च होती है, तो आलू तथा मैदे में स्टार्च की मात्रा ज़्यादा होती है। स्टार्च को पचने के लिए हमारे शरीर को क्षारीयता यानी अल्काइन की ज़रूरत होती है, वहीं मांस को पचाने के लिए अम्लीयता की यानी एसिड की ज़रूरत होती है। इसलिए इन्हें साथ साथ या तुरंत बाद खाना नहीं चाहिए, क्योंकि दो विपरीत चीज़ खाने से इन्हें पचने में बहुत ही कठिनाई होती है तथा यह बीमारी उत्पन्न करती है, और प्रोटीन भी हमारे शरीर में पहुँच नहीं पाता है, और मोटापा, गैस, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी तरह के मांस को तिल के तेल में नहीं पकाना चाहिए, इससे ये ख़राब हो जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद में विरुद्ध आहारों की सूची भरी पड़ी है, जिसमें से कुछ मैं बताने का प्रयास करूँगा। और इसी के साथ विरुद्ध आहार की इस श्रृंखला के दूसरे पार्ट के साथ हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।